3 सितंबर 1957 को मैसूर के कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। इनके पिता रेलवे में काम किया करते थे। बचपन से ये और बच्चों की तरह ना होकर के सामान्य और शांत स्वभाव के थे। ये अक्सर एक जगह बैठकर घंटों तक किसी बात पर सोचा करते थे और अपने बड़ों से ऐसे सवाल करते थे जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक बार तो इनके पिता ने इनको मेंटली हेल्थी ना मानते हुए साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आई। मात्र 10 साल की उम्र में इन्होंने योग करना स्टार्ट कर दिया था और ये आगे चलकर आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, पर फिजिकली अनफिट होने की वजह से इनका ये सपना अधूरा ही रह गया। उसके बाद लगातार 5 साल तक इन्होंने पूरा साउथ इंडिया घूमा और अपने सवालों के जवाब जानने की तलाश में लगे रहे। उसके बाद सन 1983 से इन्होंने लोगों को योग सिखाना स्टार्ट किया और सन 1993 में ईशा फाउंडेशन की स्थापना की, जिसने अब तक 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों को योग शिक्षा दी है। उसी के साथ 112 फीट आदि योगी शिवा मूर्ति का भी निर्माण किया है और इस प्रकार जग्गी वासुदेव ने अपने आप को सदगुरु के रूप में बदला। सदगुरु के आज खुद के YouTube चैनल पर 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। साथ ही उनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है।